गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम जितेंद्र कुमार बारोलिया है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दौसा में कार्यरत हूँ। क्योंकि इस वर्ष बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का जो पेपर का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के पैटर्न को समझने के लिए, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने के लिए हम 2016 के अंदर भी जो ऑब्जेक्टिव पेपर लगा था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो आज सब्जेक्ट कोड है EL 309 इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो ये मैक्सिमम आप देखेंगे यहाँ पे 30 अंक का पेपर था, उसके अंदर 30 अंक 15 मिनट के लिए आपको इसका टाइम मिलता है, आधा घंटे का टाइम मिलता है। तो उसके अंदर हम देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या रेशियो रहता है, क्या लेवल है पेपर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। निम्न में से कौन सा डेटा विनिमय के संभावित तरीकों में से नहीं है? मीन्स अगर क्वेश्चन को इंग्लिश में देखें एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वे ऑफ द डेटा एक्सचेंज, डेटा एक्सचेंज का कौन सा तरीका नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो डेटा एक्सचेंज करते हैं जब हम, तो पहला हम तीन तरीके से डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो ऑप्शन में हम जाएंगे तो एक बार, सिंप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मल्टीप्लेक्स कोई भी तरीका नहीं है जिसे हम डेटा एक्सचेंज कर सकें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, त्रुटि पता करने के लिए डैश का उपयोग उच्च स्तर परत प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। मीन्स आपको इसमें आंसर देना है कि आप जब एरर डिटेक्शन करते हैं TCP/IP के अंदर, तो जो अपर लेयर होती है, हायर लेयर, तो हायर लेयर अपनी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, तो वहाँ पे कौन सा टाइप का अपन यहाँ पे डिटेक्शन टेक्निक लगाते हैं? तो पहला ऑप्शन है बिटसम, दूसरा एरर बिट, थर्ड आपका चेकसम है और चौथा डेटा सम है। तो इसका आंसर होता है चेकसम। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हम एरर डिटेक्शन चेकसम मेथड से करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक रिपीटर का OSI मॉडल की किस परत में संचालन होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिपीटर किस लिए काम आता है। जब भी हम एक लैन को एक्सटेंड करके थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि एक लैन से दूसरे लैन को मतलब कनेक्ट करें और अपने सिग्नल का लॉस नहीं हो, तो रिपीटर एक ऐसा होता है जिसमें आपकी नॉइज एनहांस नहीं होती है और आपका सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ऑप्शन में इसमें आपके फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर। तो जब भी अपन इनकी सबकी बात करते हैं रिपीटर्स की, तो रिपीटर आपका हमेशा फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, फिजिकल लेयर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर आप देखिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग का क्या लाभ है? तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग करने से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? तो पहला है फाइल शेयरिंग, हाँ बिल्कुल हम लोग फाइल शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके। दूसरा है ईजियर एक्सेस टू रिसोर्स, ईजियर एक्सेस कैसे होगा रिसोर्स का? जैसे मैंने कंप्यूटर एक लैन बना दिया लैब के अंदर, लैब में लैन बनाने के बाद मैंने उसके ऊपर एक प्रिंटर लगा दिया, उस प्रिंटर को सारे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ईजियर एक्सेस हो गया रिसोर्स का। ईजियर बैकअप, बिल्कुल ईजियर बैकअप हो जाएगा डेटा अपना, अगर अपना सिस्टम फॉल्ट आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप आराम से वापस बैकअप से डेटा ले सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबाउ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, मैक एड्रेस इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो जो आपका मैक एड्रेस होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो आपका कंप्यूटर होता है उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है, उसको अपन मैक एड्रेस बोलते हैं। तो ये मैक एड्रेस किस लेयर के ऊपर काम करता है एग्जैक्टली, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर, जी नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर मैक एड्रेस की जगह पोर्ट एड्रेस होता है, एप्लीकेशन लेयर पर भी नहीं होता। डेटा लिंक लेयर पे आपका मैक एड्रेस कार्य करता है जो कि आपका 48 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्किंग युक्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नेटवर्क डिवाइस, कि आपकी इनमें से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। पहला आपका है हब, हब बिल्कुल नेटवर्किंग डिवाइस होती है। दूसरा आपका स्विच भी नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर भी नेटवर्किंग डिवाइस है। फोर्थ ऑप्शन है आपका लाइनक्स, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटोकॉल क्या परिभाषित करता है? व्हाट डज प्रोटोकॉल डिफाइन, मतलब प्रोटोकॉल से आप, तो हमने पहले पे जो एक बेसिक कंप्यूटर कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। तो अपन देखते हैं इसके अंदर, प्रोटोकॉल परिभाषित करता है कि किस प्रकार का डेटा संचरित होता है, प्रोटोकॉल परिभाषित करता है कि कब डेटा संचरित हुआ, प्रोटोकॉल परिभाषित करता है कौन सा डेटा संचरित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। इसके बाद में आपका आता है डैश केबल, डैश केबल की तुलना में अधिक आवर्ती प्रयास के संकेतों को ले जा सकती है। तो जो आपको ये पता, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सबसे जो लोअर केबल होती है वो आपकी ट्विस्टेड पेयर होती है,
उसके बाद में आपकी कोएक्सियल केबल होती है, उसके बाद में आपकी फाइबर ऑप्टिक होती है। तो ऑप्शन अगर इसमें अपन सेट करने की कोशिश करें, ट्विस्टेड पेवर केबल फाइबर ऑप्टिक केबल की तुलना में अधिक आवृत्ति प्रवाह के संकेतों को ले जा सकती है। जी बिल्कुल गलत है, ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिक से ज़्यादा संकेत नहीं ले जा सकती। दूसरा आपका कोएक्सियल केबल फाइबर ऑप्टिक केबल की तुलना में अधिक आवृत्ति प्रवाह संकेतों को ले जा सकती है, ये भी बिल्कुल गलत है। इसके बाद में थर्ड है आपका कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड केबल की तुलना में अधिक आवृत्ति के प्रवाह के संकेतों को ले जाते हैं। जी हाँ, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोडम का मूल कार्य क्या है। जैसे कि मोडम के अगर फुल फॉर्म देखें हम, तो MOD आपको दिखाता है मॉड्यूलेशन, DM आपको दिखाता है यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन। तो इसका आंसर हम देखें, किसी संकेत का मॉड्यूलेशन करना डिजिटल टू एनालॉग, बिल्कुल ये करता है। किसी संकेत का डीमॉड्यूलेशन करना एनालॉग से डिजिटल, ये भी करता है। किसी संकेत का मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों करना, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेट सिग्नल, आंसर सी। 1% CSMA में, तो जो भी हम कोलिजन डिटेक्शन के प्रोटोकॉल पढ़ते हैं तो उसके अंदर CSMA के 3 पार्ट होते हैं आपके, 1 परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट। तो इसमें आपका होगा पहला ऑप्शन है चैनल खाली होने पर स्टेशन प्रेषित का स्टेशन ट्रांसमिट इफ चैनल इज आइडल। दूसरा है स्टेशन ट्रांसमिट आफ्टर ए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम इफ चैनल इज आइडल। ट्रांसमिट व्हेन चैनल इज बिजी स्टेशन ट्रांसमिट विद प्रोबेबिलिटी पी चैनल इज आइडल। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेशन ट्रांसमिट इफ चैनल इज आइडल। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, निम्न से कौन सा अमार्गी माध्यम का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया की जब बात करते हैं तो ये सारे के सारे आपके होते हैं जो आपके वायरलेस मीडियम, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला आपका ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन लिंक, दूसरा सेटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक, तीसरा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन और चौथा ट्रोपोस्कैटर कम्युनिकेशन लिंक। तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है वो आपके गाइडेड मीडिया होता है, मतलब इसमें फिजिकली आपकी केबल्स होती है, इसलिए इसको गाइडेड मीडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 12 पे चलते हैं, एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाय। तो डेटा लिंक लेयर पे हमने इससे पहले बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर पर एरर डिटेक्शन चेकसम मेथड से करते हैं, और एरर डिटेक्शन जो आपका डेटा लिंक लेयर होता है उसके ऊपर CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक मेथड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आर यूज इन सीरियल कम्युनिकेशन फोर। जो हमने स्टार्ट एंड स्टॉप बिट पढ़ी थी वो किस लिए काम में आती है, पहला एरर डिटेक्शन के लिए, नहीं एरर डिटेक्शन के लिए नहीं होती है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, एरर डिटेक्ट करेक्शन के लिए, स्लोइंग डाउन द कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर आपका किस लिए आता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, मतलब जब भी हम स्टफिंग करते हैं तो इसके लिए काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टोपोलॉजी विद द हाईएस्ट रिलायबिलिटी। तो जो आपकी मैश टोपोलॉजी है उसमें क्या होता है कि हर लिंक, प्रत्येक लिंक दूसरे लिंक से जुड़ा होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, हाई रिलायबिलिटी बोलते हैं। क्योंकि एक डेडिकेटेड लिंक होता है एक नोड से दूसरे नोड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर द्वारा कौन सी टास्क नहीं की जाती, पहला है फ्रेमिंग। जी हाँ, फ्रेमिंग बिल्कुल की जाती है, फ्लो कंट्रोल भी किया जाता है, एरर कंट्रोल भी किया जाता है, चैनल कोडिंग इस लेयर द्वारा नहीं की जाती। तो अपन ने 15 क्वेश्चन देखे हैं फर्स्ट पार्ट में, बाकी के 15 क्वेश्चन अपन सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।